बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी लैंग्वेज बंदा सीख रहा हो उसका सेंटेक्स जानना बहुत जरूरी है। आज की रिकॉर्डिंग बहुत शॉर्ट सी है और बड़ी इम्पोर्टेंट है। सीएसएस सेंटेक्स देखने वाले हैं। सेंटेक्स ये है कि हम लोग जो सीएसएस लगाएंगे वो लगाएंगे कैसे। अच्छा जी, सीएसएस लगाने के लिए सेलेक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक हो गया। अब सिलेक्टर्स की जरूरत होती है, जो चीज हम लोग HTML का जो सिलेक्टर इस्तेमाल करेंगे, जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे या जिस भी चीज को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम लोगों को कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये पैराग्राफ, ये एक सिलेक्टर है, उसके बाद ये एक इसकी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, राइट। इसलिए आपको समझ आ रहा है। जैसे ये एक आ, आ, इसका सिलेक्टर है, एमुलेटर, और इसका जो कलर है वो ये है, और ये कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये इसकी वैल्यू क्या है, ये रेड है। अच्छा खैर, ये तो इसकी एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। हम लोग कब करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। सिलेक्टर, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं और वैल्यू लिखते हैं, और एक ही ब्रैकेट के अंदर हम लोग ज्यादा जो है डिक्लेरेशंस लिख सकते हैं। मतलब ये है, ज्यादा प्रॉपर्टी या ज्यादा वैल्यूज लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। इस सिलेक्टर के हिसाब से एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू को एक डिक्लेरेशन कहते हैं, और जब ज्यादा हो तो इनको हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं, और हर जो है डिक्लेरेशन को सेमी कॉलन के साथ एंड करना पड़ता है। जो लास्ट हो, अगर उसके साथ हम लोग सेमी कॉलन ना लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये एक साइंटेक्स है और नीचे इसकी ये एक एग्जाम्पल है। अब बात रह गई है प्रैक्टिकल करने की, तो प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करेंगे जी? हम लोग सबसे पहले सीएसएस के सारे सिलेक्टर्स को पढ़ लेंगे आने वाली रिकॉर्डिंग के अंदर, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे और उनकी वैल्यूज को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ये हमारी तीन रिकॉर्डिंग बनेगी छोटी छोटी। उसके बाद हम लोग इनको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये तीनों चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट अगली रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ये हमारी HTML है और ये यहाँ पर हम लोग अपनी CSS डाल रहे हैं। आज की इस रिकॉर्डिंग में यही कुछ जानना था। थैंक्स अ लॉट।